अध्यक्ष जी, ये दूसरा मौका है पिछले 10 दिन में जब एक बड़े प्रोजेक्ट का आप शिलान्यास कर रहे हैं। इस महीने की 17 तारीख को 200 एकड़ का एक बड़ा पार्क जिसपे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और जो दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने जा रहा है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पे है, मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की या 300 मीटर की दूरी पे है और सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर एशिया का बन रहा है उसके 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 2017 सितंबर के महीने में जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था तो मुझे याद है कि हम दिल्ली के सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे थे और उपराज्यपाल जी और मैंने जब बैठ के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया तो हमें ये लगा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे कई वर्षों से चर्चा हो रही थी पर किसी ना किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसमें से तो एक बड़ी लंबी लिस्ट ऐसी थी जिसमें दिल्ली सरकार को 10% या 20% का अपना हिस्सा देना था। तो पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने सारे वो वाले प्रोजेक्ट क्लियर किए। अगर मैं उन सबकी लिस्ट यहां बताऊं तो मुझे जो 5-7 मिनट का समय दिया गया है वो उसी में लग जाएगा, पर मैं आपके सामने आज इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ और आंकड़े सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि उनका सपना है कि सन 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक को अपना घर होना चाहिए, वो जहां भी रहते हों, और उसका जो टाइटल है वो घर के महिला के नाम पे होना चाहिए। तो मेरे मंत्रालय ने 2015 में मेरे आने से कई 2 वर्ष पहले एक डिमांड असेसमेंट की थी कि कितने ऐसे आवास हमें बनाने होंगे और निर्णय ये किया गया कि 1 करोड़ आवास अगर बना दिए जाएं तो हर एक भारतीय नागरिक को अपना घर मिल सके, जो पक्का घर होगा जिसमें किचन होगा, शौचालय होगा, और सिर्फ आवास नहीं होगा, एक परिवार में को जो भी सुविधाएं की जरूरत होगी, गैस कनेक्शन एक्सेट्रा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये टारगेट हमको 2022 तक पूरा करना था और मुझे बहुत गर्व है, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम 26 तारीख दिसंबर में पे हैं। अगले 1-2 दिन में जो हमारी मॉनिटरिंग और सैंक्शनिंग कमेटी होती है मेरे मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में, वो पूरे 1 करोड़ पूरा कर देगी सैंक्शनिंग का। ये 1-2 दिन की ही बात है। जब से ये योजना शुरू हुई थी उसके बाद ये हमें दिखा कि हमें 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 12 लाख मकान बनाने होंगे, और जिस तेजी से हम ये काम कर रहे हैं ये मार्च 2020 तक पूरे 1 करोड़ 12 लाख घर आवास सैंक्शन कर दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर ये 1 करोड़ आवास सैंक्शन कर दिए गए हैं या 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे, दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में क्यों ये योजना लागू नहीं हुई, और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। माननीय उपराज्यपाल जी श्री अनिल बैजल जी ने यह फैसला किया था और एक ऑर्डर पास किया था 20 सितंबर 2017 को। मैंने आपको अभी बताया कि मैं 3 सितंबर को मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, हमने एक मीटिंग की और हमने जब देखा कि मंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इस पर दिल्ली में कोई काम ही नहीं हो रहा, तो इन्होंने ऑर्डर पास किया और इन्होंने नॉमिनेट किया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और ड्यूसिप को स्टेट लेवल नोडल एजेंसी बना के वर्टिकल 1 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का,
इस पे काम करने के लिए 5,83,425 रुपए दिए गए डूसिप को के एक डिमांड सर्वे करें। 23 जो प्रायोरिटाइज झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स है, एक वर्ष बाद 29 नवंबर 2018 को जो वाइस चेयरमैन डीडीए ने एक मीटिंग ली, जो दिल्ली सरकार का वहां पे अधिकारी था, उसने कहा कि वो इस पे कोई काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो इस योजना का जो नाम है उसको बदल करके मुख्यमंत्री आवास योजना बनाना चाहते हैं। तो इसमें से क्या नतीजा निकलता है कि वो दिल्ली के जो नागरिक हमारे बहन भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रहते हैं, जिनके जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में रहते हैं, उनको मकान दिलाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ योजना को अपने नाम पे करना चाहते थे और क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना थी उन्होंने ये इसको लागू ही नहीं किया। और इससे ज्यादा सिर्फ ये एक योजना नहीं है, आयुष्मान भारत भी उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की। इसका अगर सवाल पूछा जाए, और मैंने कई बार पूछा है, क्या ये दिल्ली में जो हमारे बहन भाई रहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया एक वर्ष में एक परिवार को दवाइयों के लिए मेडिकल इलाज के लिए जो दिए जा सकते हैं, क्या उनको जरूरत नहीं है? इसका कोई हमें जवाब नहीं मिलता। हमने ये काम अपने आप केंद्रीय सरकार के द्वारा शुरू किया और मुझे खुशी होती है कि 7,500 आवास जिसके 37,000 लाभार्थी हैं। मेरा इरादा था कि इस महीने में 31 तारीख तक ये हैंडओवर कर दिए जाएं। ये हैं कठपुतली कॉलोनी, कालकाजी एक्सटेंशन और जेलर वाला बाग, अशोक विहार। पर क्योंकि एनजीटी के ने कुछ कंस्ट्रक्शन पे रुकावट डाली थी, हम मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 31 दिसंबर नहीं तो अगले आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें से कम 2-3 टावर कठपुतली कॉलोनी में जो लाभार्थी हैं उनको वहां पे आके दोबारा बिसाया जाएगा। डीडीए ने काम और भी शुरू कर दिया है, 32 जो जेजे क्लस्टर्स हैं जिसमें करीब 34,000 परिवार रहते हैं और जिसमें लाभार्थी होंगे 1,70,000। ये हैं जेजे क्लस्टर्स दिलशाद गार्डन में, पीतमपुरा शालीमार बाग में, रोहिणी, कालकाजी, कुसुमपुर पहाड़ी, वसंत विहार, ओखला, इन जगह में। यहां पे जो भी हमारे बहन भाई रहते हैं और हमको इस वर्टिकल में जहां झुग्गी वहीं मकान, इस पे काम और जो टेंडर है वो एकदम फ्लोट किए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया 1,42,000 लाभार्थियों, 37,000 लाभार्थियों को तो मकान अभी दे दिए जाएंगे क्योंकि काम पहले से किया हुआ है, और इन 34,000 को कुछ ही दिनों में इसका टेंडर फ्लोट किया जा रहा है। इसके अलावा 160 जेजे क्लस्टर्स और भी हैं जिसमें 85,000 परिवार रहते हैं और लाभार्थी इसमें होंगे 4,25,000। ये भी स्कीम एकदम चालू कर दी गई है और इस पे भी लोगों के फॉर्म भरवाने का काम हम 1-2 दिन में शुरू कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, ये सिर्फ नहीं है, इसमें एक और भी प्रोजेक्ट है जिसमें 186 क्लस्टर्स जिसमें 75,000 परिवार हैं और इसमें लाभार्थी होंगे 3,75,000। टोटल बनते हैं इसमें परिवार 2 लाख और लाभार्थी होंगे इसमें 10 लाख। ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और बड़ी तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास स्कीम है नहीं, मैं जिक्र कर रहा हूं दिल्ली सरकार का, और आप किसी और की स्कीम में सिर्फ नाम बदल के, जिसमें कोई ना बजट है ना कभी कोई स्कीम बनी है और इसकी क्लियरेंस सेंटर की तरफ से होगी, तो इसमें फॉर्म भरवाने का और अखबार में इश्तियार देने का ये मुझे समझ नहीं आती, ये किस किस्म की राजनीति की जा रही है। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, दिल्ली की आबादी
जब पहला हमारा सेंसस हुआ 1951 में, उस समय दिल्ली की आबादी 20 लाख थी, और ये 20 लाख भी इसलिए हुई क्योंकि 1947 के बाद कोई 11 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से, जिसमें मेरी प्रीवियस जनरेशन, वो आके दिल्ली में बसे। और अगला सेंसस जो होगा 2021 में, उस समय दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास होगी। तो ये जो सुविधाएं बनाई जा रही हैं, अब दिल्ली में सितंबर 2017 में जब पहली बारी ओम प्रकाश शर्मा जी के साथ मेरी चर्चा हुई करकरडूमा ट्रांसिट ओरिएंटेड हब के बारे, उस समय दिल्ली की मेट्रो राइडरशिप एक दिन की 24 लाख थी, आज ये मेट्रो राइडरशिप 65 लाख है, सितंबर 2017 से बढ़ के आज तक। और हर स्टेज पे दिल्ली मेट्रो की फेज 4 चालू करने के समय आरआरटीएस बनाने के लिए दिल्ली मेरठ 82 किलोमीटर का, हर स्टेज पे दिल्ली की सरकार ने रुकावट डालने की कोशिश की है। और ये भी जो करकरडूमा का काम है, हमने सिर्फ कंसेप्चुलाइज नहीं किया 2017 में, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और इस पे एनबीसीसी पहले फेज पे काम अगले 2 दिन के अंदर शुरू कर देगी। और ये सारी जो प्रोजेक्ट्स जिसके अध्यक्ष माननीय गृहमंत्री जी जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, इन सब पे जोरों से काम ऑलरेडी हो रहा है। एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी है, उसका नाम है मैकेंजी, उन्होंने 2010-11 में एक स्टडी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तेजी से भारत में अर्बन डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे काम करना पड़ेगा, इस पे 700 से 900 मिलियन स्क्वायर मीटर हर वर्ष बनाना होगा। 700 और 900 मिलियन स्क्वायर मीटर का मतलब है हर वर्ष में एक नया शिकागो शहर का इक्विवेलेंट। और मुझे बहुत खुशी है कि जो काम यहां पे हो रहा है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले, मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि हमारे बहन भाई कोई 40 लाख से अधिक, 40 और 50 लाख के बीच में जो हो सकते हैं, जो सो कॉल्ड अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, उनको मलकाना हक दिया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। सिर्फ पोर्टल बन ही नहीं गया, इस पे करीब 30,000 लोगों ने रजिस्ट्री भी कर ली है। और अभी जब मैं उपराज्यपाल जी और डीडीए के सीनियर अधिकारियों से बात कर रहा था, आने वाले दिनों में कई लोगों को तो मलकाना हक, जहां पे वो रहते हैं वहां का मलकाना हक उनके हाथ में भी दे दिया जाएगा। तो हमने ये फैसला किया कि और 25 पहले हेल्प सेंटर बनाए थे, उसको 50 में रेस कर दिया है, और हम अपनी तरफ से और भी लोगों को सुविधा देंगे कि 1731 कॉलोनी सबके नक्शे अपलोड हो गए हैं और सब पे लोगों से बात करके रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है कि मलकाना हक दिलवाने का काम जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी ही नहीं, दुनिया में एक सबसे शानदार राजधानियों में गिना जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मोदी जी की सरकार ने कुछ फैसले जो बहुत साल से रुके हुए थे, जैसे मैंने कहा अनऑथराइज कॉलोनीज में लोगों को मलकाना हक देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख हमारे बहन भाई उनको जहां झुग्गी वहीं मकान दिलवाना, बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट जिसका आज आप शिलान्यास कर रहे हैं, यहां पे 70% मकान होंगे रेजिडेंशियल, 20% कमर्शियल होंगे और 10% अन्य सुविधाएं होंगी। और फेज 1 जब कंप्लीट होगा तो इसमें 47 मंजिली, पहली वाले फेज में 1 मंजिल और 35 मंजिली और दूसरे फेज में एक और 47 मंजिली बिल्डिंग बनाई जाएगी। और इसका हमारा प्रयत्न यह होगा कि जहां लोग काम करते हैं उसी के नजदीक वो रह सकें और ट्रैवल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की स्कीम पूरी कर दी जाए। मैं आपका
माननीय गृह मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके समय पे इतनी डिमांड्स हैं, पर आपने पिछले 10 दिन में दो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, और मैं आपसे धन्यवाद करते हुए ये भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एनबीसीसी के बिहाफ पे और डीडीए के बिहाफ पे, कि जो टाइमलाइंस हमने रखी हैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के साथ, एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा और सारी प्रोजेक्ट टाइम वाइज और कॉस्ट के बीच में कंप्लीट किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।